अकेले इस साधु को मार मार भगाया, तिरंगे को छोड़ा नहीं याद। जुबान की तरह तेरे सपने भी काले साले। देखो गया ना सपना सच, अब तू अकेला नहीं, हम सब जा रहे हैं तिरंगे को बचाने के लिए। कर लेना जो करना। अरे करना क्या, करना क्या है? कुछ वक्त पहले ही बॉर्डर 2 को बनाने की खबरें सामने आई और अब इसके बाद से ही कारगिल 2 को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2003 में आई इस हिस्टोरिकल वॉर फिल्म को काफी ज्यादा शानदार अंदाज में एक बार फिर से बनाया जाने वाला है। ये फिल्म की कहानी कारगिल वॉर पर बेस्ड थी, जो की इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने अंडर हिज बैनर जेपी फिल्म्स। इस फिल्म में कई सारे नए अभिनेता नजर आए थे उस वक्त। आपको बता दें कि इस फिल्म में मोनिश पहल, संजय दत्त, अजय देवगन, नागा अर्जुन, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन और अक्षय खन्ना एक साथ देखने को मिले थे। अब खबरें सामने आ रही हैं कि जेपी दत्ता एक बार फिर से इस पुराने स्टार कास्ट के साथ काम करने वाले हैं और इन सबसे डेट्स भी ले रहे हैं। वेल दोस्तों, ये फिल्म बेस है इंडियन आर्मी के सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय पर, जो की लॉन्च हुआ था May 1999 में इन द वेक ऑफ द पाकिस्तान इंट्रूशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक हाइट्स इन द कारगिल सेक्टर टू फ्लश आउट द पाकिस्तान इंट्रूडर्स फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। वेल आपको बता दें कि अब एक बार फिर से कारगिल की कहानी को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक जबरदस्त वॉर के साथ ही बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ और पुराने नए ऑपरेशंस को उठा करके इसकी कहानी बनाई जाने वाली है। और फिल्म को एक बार फिर से डायरेक्ट करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं जेपी दत्ता। इनफैक्ट इस फिल्म की पूरी कहानी भी जेपी दत्ता ही लिखने वाले हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से वही पुरानी स्टार कास्ट होगी, लेकिन इस स्टार कास्ट के साथ कुछ और नए कलाकार को जोड़ा जाएगा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से इस फिल्म में वही पुराने स्टार कास्ट धमाल मचाएगी। वेल आप कमेंट करके बताइए कि LOC कारगिल 2 को देखने के लिए और इसकी कहानी के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।